हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टोरी को, लॉस प्रिंग की। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज आई वांट टू ड्राइव ए कार। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अब आप सेकंड स्टोरी को देखें। मुकेश इंसिस्ट्स, मुकेश जिद करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो कहता है मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है, वो कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, राइटर ने उससे पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ मालूम है। तो उसने आगे से क्या आंसर दिया, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। वो आंसर देता है लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इन टू माई आईज, राइटर की आंखों में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर देता है। लेकिन उसके जो सपने हैं वो अनक्लियर शेप के, लाइक ए मिराज, एक इल्यूजन की तरह है, एक भ्रम की तरह है। किसके बीच में, डस्ट ऑफ स्ट्रीट, वो धूल मिट्टी भरी गलियों में रहता है, और वो धूल मिट्टी जो भरती है उसके टाउन को, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फेमस है, किस लिए फेमस है, फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड, इसमें बिजी है, इन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में। ज्यादातर लोग फिरोजाबाद में बैंगल बनाने का ही काम करते हैं। इट इज द सेंटर, ये सेंटर है किसका, इंडियास ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहां पे हीटेड ग्लास को शेप दी जाती है। वेयर, जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, कई फैमिलीज ने अपनी पीढ़ियां बिता दी वर्किंग, काम करते हुए अराउंड फर्नेसेस, वो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं भट्टियों में, ग्लास को जोड़ते हैं, मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाते हैं। और ऑल द वुमेन इन लैंड इट सीम्स, जितने भी वुमेन के लिए बैंगल्स बनती हैं, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में ही बनती। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली उन बैंगल मेकर में से ही एक है। नन ऑफ देम नो, लेकिन उनमें से कोई ये बात नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है, बच्चों का, उसके जैसे बच्चों का काम करना इन ग्लास फर्नेसेस, शीशे की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, जिसमें इतना हाई टेम्परेचर होता है, इन डिंजी सेल्स, डिंजी मीन्स डार्क एंड डर्टी सेल्स, छोटे छोटे कमरों में, कोठरियों में वो काम करते हैं, विदाउट एयर, बिना हवा के और बिना लाइट के। दैट लॉ, अगर कानून को एनफोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, उसे और उस जैसे 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है गर्म भट्टियों से। वेयर दिस लोग, जहां पे वो मेहनत करते हैं और बिताते हैं अपने डे लाइट आवर्स को, ऑफन लूजिंग, और अक्सर खो देते हैं द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपने आंखों की ब्राइटनेस को खो देते हैं। मुकेश आई, मुकेश की जो आंखें हैं बीम, वो ब्राइट हो जाती है, एज ही वॉलंटियर्स, क्योंकि वो ऑफर करता है, वॉलंटियर्स करता है टू टेक मी होम, वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है, राइटर को अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज, जो वो बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, कि हमारा घर दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, राइटर कहती है हम चलते हैं ऐसी गलियों में से जहां स्मेल आ रही है स्टिंकिंग, लेन्स में से जाते हैं और जो ब्लॉक हो रखी है गार्बेज के साथ, कूड़ा करकट के साथ, पास्ट होम दैट रिमेन हॉवर्स, और घर ऐसे हैं जो हॉवर्स हैं, ऐसे हाउस हैं जो अनफिट हैं रहने के लिए, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जहां पे टूटी फूटी दीवारें, वोबली शेकी हिलते डुलते हुए डोर्स, नो विंडो, कोई विंडो नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज, जो छोटे छोटे घर हैं वो भरे हुए हैं फैमिलीज के साथ, ह्यूमंस की एंड एनिमल्स की, को एग्जिस्टिंग, मिलकर रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं इन प्राइमेबल स्टेट, जैसे कि पुराने जमाने में लोग रहा करते थे, एंशियंट टाइम में रहा करते थे, एंशियंट मींस प्राचीन। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ सच हाउस, वो ऐसे ही घर के एक डोर पर रुक जाता है, बैंक्स पर हिट करता है उस वोबली, उस शेकी आयरन डोर को अपने फुट के साथ,
एंड पुशेस और पुश करके उसको ओपन कर देता है, खोल देता है। वी एंटर, हम एंटर कर जाते हैं एक हाफ बिल्ट शैक में, एक ऐसे घर में जो अभी आधा ही बना हुआ है। इन वन पार्ट, इसके एक हिस्से में थेस्ट है, जो रूफ है वो घास फूस की बनी हुई है, और दूसरी साइड एक फायरवुड है, एक चूल्हा है, ओवर विच, जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन है ऑफ सिजलिंग स्पिनेट लीव्स, जहां पे पालक बन रही है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर एक लार्ज बड़ी सी एल्युमिनियम की प्लेट पड़ी है, और कटी हुई वेजिटेबल्स हैं। ए फ्रेल, एक दुबली पतली सी वुमेन, यंग वुमेन खाना बना रही है, इवनिंग मील बना रही है पूरी फैमिली के लिए। दो, हालांकि उसकी आंखें भरी हुई हैं स्मोक के साथ, धुएं के साथ, शी स्माइल्स, लेकिन वो स्माइल करती है हमें देखकर। शी इज द वाइफ, वो वाइफ है मुकेश के एल्डर ब्रदर की, बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी एज ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड, लेकिन उसे एक रिस्पेक्ट मिल गई है, उसे सब क्या कहते हैं, बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, थ्री मैन के लिए वो खाना बना रही है, उनका काम कर रही है, अपने हस्बैंड का, मुकेश का और उनके फादर का। When the older man, जब older man, उसके जो father in law है, enter करते हैं, वो धीरे से withdraw कर लेती है, चली जाती है behind the broken wall, एक टूटी हुई दीवार के पीछे, and brings her veil, और अपना जो घूंघट है वो खींच लेती है closer to her face, अपने फेस पर, as custom demands, क्योंकि रीति रिवाज डिमांड करते हैं कि daughter in law, जो बहू है, मस्ट वेल, उसे घूंघट करना चाहिए अपने फेस पर बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस, लेकिन इस केस में जो एल्डर है वो एक इम्पॉवरिश्ड पुअर बेंगल मेकर है, जो उसके फादर इन लॉ है, पुअर बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स, इतने साल हार्ड लेबर करने के बावजूद, पहले वो टेलर थे फिर बेंगल मेकर बने, ही हैज फेल्ड, वो फेल्ड हो गए टू रेनोवेट ए हाउस। सेंड हिज टू सन्स, अपने दो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, अपने दो बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू, वो बस इतना ही कर पाए हैं, इज टू टीच देम, अपने बच्चों को सिखा पाए हैं जो उन्हें आता था, जो वो जानते थे। और वो क्या जानते थे, आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, उन्हें भी बेंगल बनाना ही आता था। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, ये उसकी किस्मत है, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है। हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए, विद द डस्ट, उस डस्ट के साथ, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जो बेंगल को पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है उससे अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज, क्या वो कहती है भगवान की दी, जो हमारी एंसेस्टर्स, जो हम ये काम कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर भी यही, हमारे पूर्वज भी यही काम कर रहे थे, उस चीज को बदला नहीं जा सकता, उस लाइन को तोड़ा नहीं जा सकता। शी इंप्लाइज, वो कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स, पैदा हुए हम बेंगल मेकर्स के कास्ट में, दे हैव सीन, उन्होंने वो कुछ नहीं देखा बेंगल्स के अलावा। इन द हाउस, घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में फिरोजाबाद के, स्पाइरल ऑफ बेंगल, जो बेंगल्स के स्पाइरल्स हैं, हर कलर की, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर कलर की, बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स, जो सेवन कलर से निकला है रेनबो के, उनको देखा जा सकता है पड़े हुए ढेरों में, इन अनकेम्प्ड, गंदे आंगन में, यार्ड्स में, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड, और फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पर, रेडियो पर ढेर लगे हुए देखा जा सकता है, और उन रेडियो को कौन खींच रहे होते हैं, यंग मैन, अलोंग द नैरो लेन्स, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे टाउन में, एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और छोटे छोटे घरों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो ऑयल लैम्प टिमटिमा रहे होते हैं, उनके आगे कौन बैठे होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने फादर्स और मदर्स अपने पेरेंट्स के साथ वेल्डिंग करते हुए, जोड़ते हुए पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास के।
इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, उनकी बेंगल बनाते हुए। उनकी जो आंखें हैं वो ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं अंधेरे से देन टू द लाइट आउटसाइड। दैट इज व्हाई, यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। उनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट होने से पहले पहले। सविता एक यंग गर्ल, जो एक यंग गर्ल है इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, उसने उड़े हुए कलर की पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो बैठी हुई है किसके साथ, एक बूढ़ी सी वुमेन के साथ, एल्डरली वुमेन के साथ, जो जोड़ रही है पीसीस ऑफ ग्लास को। उस लड़की के जो हाथ है मूव करते हैं मैकेनिकली, मशीन की तरह चलते हैं, लाइक द टंग्स ऑफ मशीन। राइटर कहती है, मैं सोचती हूँ, वंडर करती हूँ, इफ शी नोज, क्या उसे पता होगा कि कितनी सेंसिटिव है, कितने ये होली, कितने धार्मिक माने जाते हैं ये बैंगल्स जो वो बनाने में हेल्प कर रही है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये इंडियन वुमेन की सुहाग की निशानी माना जाता है, शुभ माना जाता है मैरिज में। इट विल डॉन ऑन हर, एक दिन उसे ये समझ आएगी अचानक, वन डे व्हेन हर हेड, जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा रेड कलर के घूंघट के साथ, रेल के साथ, हर हैंड्स उसके जो हाथ हैं उनको डाई कर दिया जाएगा रेड कलर की हिना के साथ, मेहंदी के साथ, एंड रेड बैंगल्स और रेड कलर की बैंगल रोल कर दी जाएंगी उसकी कलाई में, रिस्ट में। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी उसी ओल्ड वुमेन की तरह, बिसाइड हर जिसके साथ वो बैठी हुई है, वो बिकेम मेनी इयर्स अगो, जो दुल्हन बनी थी काफी साल पहले, शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर आज भी, लेकिन उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं, बट नो लाइट, लेकिन कोई रोशनी नहीं है इन हर आईज। वो हिंदी में कहती है, एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज में जिसमें कोई खुशी नहीं है, शी हैज नॉट एंजॉयड, कि उसने एंजॉय नहीं किया है इवन वन फुल मील, पूरा खाना, इन हर एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में एक वक्त भी पूरा खाना उसने एंजॉय नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, यही उसने काटा, बोया और काटा है। हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड है एक ओल्ड मैन है जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग, मुझे भी कुछ नहीं पता, एक्सेप्ट किसके अलावा, बैंगल्स के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक घर बना पाया हूं अपनी फैमिली के रहने के लिए। उसकी बातें सुनकर कोई भी सोच सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने वो चीज प्राप्त कर ली है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड, जो कई फेल हो गए हैं इन द लाइफ टाइम में, अपने लिए घर भी नहीं बना पाए। ही हैज ए रूफ, उसके पास छत है अपने सिर पर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, जो चीख है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो और कोई काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ उन्हें यही बिजनेस करना पड़ता है, मेकिंग बैंगल्स का, बैंगल बना। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, यही प्रॉब्लम हर घर में है। द यंग मैन इकोज द लैमेंट, जो यंग मैन है वही अपनी उदासी व्यक्त करते हैं जैसा कि बड़े लोग करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला ऐसा लगता है, इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, जो इतने सालों से वो माइंड को डेडन करने वाली, माइंड को खत्म करने वाली जो कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं, उस चीज ने खत्म ही कर दिया है, मार ही दिया है उनकी पहल लेने की शक्ति को, इनिशिएटिव लेने की शक्ति को, एंड एबिलिटी, और उनकी एबिलिटी योग्यता को, सपने देखने की, मार ही दिया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा। राइटर कहती है कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते, उन यंग मैन से पूछा जो किस दुष्चक्र में पड़ गए हैं, मिडिल मैन के, दलालों के, हु ट्रैप देयर फादर्स, जिन्होंने उनके फादर को भी ट्रैप किया था, फसाया था, फोर फादर को भी फसाया था। तो आगे से यंग मैन क्या जवाब देते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज होंगे तो वी आर द वंस, हम वो होंगे हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें फोर्स किया जाएगा पुलिस के द्वारा, मारा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में खींच कर ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम कोई काम इलीगल कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। देश से वो क्या कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है,
नो वन, कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकता है हालात को बदलने में। देयर फादर्स आर, उनके जो फादर हैं वो उतने टायर्ड हैं, उतने थक चुके हैं जितने कि वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो एंडलेसली बातें करते हैं स्पाइरल में, दैट मूव्स, उनकी लाइफ भी स्पाइरल जैसी हो गई है जो मूव्स करती है पॉवर्टी से अपैथी की तरफ, इनडिफरेंस की तरफ, उदासीनता की तरफ, उससे लालच की तरफ, ग्रीड की तरफ और अन्याय की तरफ चली गई है। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर आई सी, राइटर कहती है, मुझे दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड नजर आए, दो अलग अलग संसार नजर आए। वो दो संसार कौन से हैं? वन ऑफ द फैमिली, एक तो संसार है उस फैमिली का, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो एक गरीबी के नेट में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर बर्डन है, एक क्लंक है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उस कास्ट का जिसके अंदर वो पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं। और जो दूसरा वर्ल्ड है मुझे कौन सा नजर आया? विशियस सर्कल, दुष्चक्र, साहूकार्स का, मिडिलमैन, दलालों का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ का, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरों का एंड पॉलिटिशियंस का। इन सब ने मिलकर लाद दिया है, इम्पोज कर दिया है एक बोझा, बैगेज बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो वो नीचे नहीं रख सकता। इससे पहले कि उसे पता चले, बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेता है एज नेचुरली एज हिज फादर, अपने फादर के बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स, कोई काम और करना, वुड मीन टू डेयर, उसका मीनिंग होगा हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग है वहां के बड़े होने का हिस्सा नहीं है। लेकिन राइटर कहती है, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मुझे थोड़ी सी फ्लैश नजर आती है मुकेश में, मैं खुश हो जाती हूँ। क्योंकि मुकेश कहता है, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो रिपीट करता है, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। तो आगे से क्या कहता है, मैं पैदल चलूंगा, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करता है। तो राइटर उससे कहती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम सपने देखते हो हवाई जहाज उड़ाने के भी? ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो, ही सेज नो, स्टेयरिंग, किसको घूरते हुए? ग्राउंड पर, जमीन पर घूरते हुए। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, हल्के हल्के वो कुछ बोलता है, शर्माता है, एम्बैरेसमेंट है, दैट हैज नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन उसकी जो एम्बैरेसमेंट है अभी दुख में, रिग्रेट में नहीं बदली है। He is content, क्योंकि वो संतुष्ट है सपने देखकर कारों के, that he sees, जो कारों को वो देखता है hurtling करते हुए, very fast move करते हुए, कौन सी गलियों में? अपने टाउन की गलियों में। Few aeroplanes, ना के बराबर जो aeroplanes हैं fly, वो उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर। तो students, ये जो second part था low spring का, यहीं पे खत्म होता है। Thank you.